Hello, good morning students. It's standard 4, workbook part 4, chapter 9, house and quarter. Workbook में third और fourth part है, वो workbook का है और textbook का part 1 and 2. Okay? अभी हमने कल 127 पेज तक किया था, अब पेज नंबर 128. अच्छा हमारा बाकी था ये वाला थ्री बाय फोर के जी. तो क्या आएगा इसमें आंसर, मुझे कौन बताएगा? ये क्वेश्चन 14 का है, पता है ना, कल हमने क्वेश्चन 14 किया था. अभी देखो 1 किलो बराबर कितना होता है, 100 ग्राम होता है. तो 425 100 होता है, 25 3 कितना होगा, तो यहाँ आएगा 75 ग्राम. कितना आएगा? तो 750 का यहाँ हमें करना है, तो कैसे करेंगे? अभी 750 ग्राम का तो कोई बात आता नहीं है, तो क्या करना है? 500 प्लस 200 एंड प्लस 50 हो गया. 750 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना. अभी सेकंड है, वन एंड हाफ, तो कितना आएगा? 1 किलो का हाफ कितना होगा, वो तो सबको पता होना ही चाहिए. कितना? यस 500. अभी क्वेश्चन 15, अभी हमें सम्स करने हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इफ वन केक कॉस्ट 200 रुपीज, वन केक की कीमत कितनी है? 200 रुपीज. Then how much does 3/4 part of the cake cost? एक की इतनी है, तो उसमें हमें 3/4 part करना है, तो उसकी कीमत कितनी होगी? 3/4. Yes. मैम 150. कहाँ से आएगा? 200 से कम करना है, तो 3/4 मल्टीप्लाई 200, 3 × 6 और 0, तो 600/4 होगा. अभी 600 डिवाइड करो, कितना होगा? 4 × 4 के कौन से टेबल में 20 आता है? 4 × 5 = 20 और ये 0, कितना हुआ? क्या आंसर आया? 150. तो आंसर लिखना है 3/4 पार्ट ऑफ द केक कॉस्ट
150 rupees. समझ में आया? ये डिवाइड आपको जानकारी के लिए लिखना हो तो लिख सकते हो, और वैसे भी हम जो भी सम्स करें तो उसको पूरा दिखाना है कि हमने ऐसे किया है, नहीं तो फिर आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2 और 3 मार्क्स का आपका सम हो और आप सिर्फ आंसर लिख के रख दो तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला, आपको ये पूरा उसका करना पड़ेगा। समझ में आया? अभी सेकेंड है, इफ वन वाटरमेलन कोस्ट 100 रुपीज, वन वाटरमेलन की कोस्ट कितनी है? 100 रुपीज। देन हाउ मच 1/4 पार्ट ऑफ वाटरमेलन कोस्ट? तो अभी हमें 1/4 का ढूंढना है। तो यहां लिखना है इफ वन वाटरमेलन कोस्ट 100, देन फॉल के टेबल में 10 आता है, नहीं आता तो क्या करना है? 4 1 4 4 2 8 4 3 12 हो जाता है तो 4 2 8, 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। फॉल के टेबल में 20 कहाँ आता है? 4 5 20। His answer is 25 rupees. So यहाँ लिखना है 1/4 part of watermelon cost 25 rupees. चौथा पार्ट वाटरमेलन का, फोर्थ पार्ट का कितना गोश्त है वो हमें देखना है। समझ में आया? अभी देखो पूरे वाटरमेलन की प्राइस है ना, कितनी लिखी हुई है? 100 रुपीज। अभी मुझे इतना सारा तो कौन खाएगा, मुझे सिर्फ एक ही पार्ट चाहिए, ये चौथा पार्ट, तो मुझे सिर्फ इसकी प्राइस चाहिए। समझ में आया? चलो ये केक वाला सबका सम्स हो गया। अभी फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मच पार्ट डज 1/4 पार्ट ऑफ 2 लीटर्स ऑफ वॉटर मीन? वन बाय फोर का 2 लीटर में पार्ट कितना होगा वो हमें देखना है। 2 लीटर्स वाटर,
वन लीटर इक्वल टू कितना होता है? थाउजेंड एम एल होता है। yes. तो यहाँ टू लीटर है तो कितना होगा? यस, 2000 ml। तो हमें क्या करना है, वन पार्ट ऑफ फोर मल्टीप्लाई 2000। तो क्या आएगा, 2000 डिवाइड बाय 4। फोर फाइव 20 एंड 00। तो क्या आंसर आया, 500 मिली। तो 500 का क्या होगा, 1/2 होगा। तो यहाँ लिखना है 1/4 पार्ट ऑफ वाटर 2 liters। समझ में आया? Fifth, how much part does 3/4 part of 4 liters milk make? 3/4 part of 4 liters milk. अभी 1 लीटर का 1000, 2 लीटर का 2000, तो 4 लीटर का कितना होगा? 4000। तो 3/4 पार्ट मल्टीप्लाई 4000। मल्टीप्लाई 3 यानी 12000 डिवाइड बाय 4। आंसर इज 3000। यानी कि 3 लीटर। Thank you.
चलो सिक्स There are 44 students in the classroom. Classroom out of them 3/4 part of the students are boys and then how many girls are there in the classroom so hame pehle kya karna hai if 44 students in one class Three by four boys, then girls, how much? So, 3/4 multiply 44. 4 × 11 = 44 होता है तो 11 × 3 = 33. अभी 33 बॉयज है अभी 3/4 बॉयज है तो 33 बॉयज आए तो अभी गर्ल्स कितनी है वो ढूंढना है तो 44 स्टूडेंट्स टोटल है उसमें से माइनस 33 बॉयज तो गर्ल्स कितनी बची 11 तो 11 गर्ल्स आर देयर इन द क्लासरूम अभी 7 84 marbles in the box. Out of that, 1/4 part, half rupee coin and 1/4 rupee coin to the shopkeeper. Is this amount enough for Brijesh to buy a pencil? 84 marbles in the box. Out of that, 1/4 part of the marbles are red. Then how many red marbles are there in the box? If 84 marbles one box So 1/4 part red marbles how much? So 84 × 1/4 then divide by 4 × 2 = 8 and 4 × 1 = 4
answer is 21 red marbles. Are there in the box? चलो ये हो गया सबका। हाँ तो कल मैं आपको समझा देती हूँ पार्ट फोर का एक ना सम है। ब्रिजेस वांट टू बाय अ पेंसिल रुपीस 10, ही गिव्स अ 1 रुपी कॉइन, 1 हाफ रुपी कॉइन एंड 1 क्वार्टर रुपी कॉइन टू द शॉप। इज दिस अमाउंट इनफ फॉर ब्रिजेस टू बाय अ पेंसिल? अभी उसने पेंसिल 2 रुपए की ली है, उसमें एक 1 रुपए का कॉइन है और एक हाफ कॉइन यानी कि 50 रुपए और एक क्वार्टर यानी कि 25, तो 1.75 पैसे होते, तो इट्स नॉट इनफ फॉर ब्रिजेस टू बाय अ पेंसिल। ओके, और फिर 9th का है मिहिर डिड हाफ ऑफ हिज होमवर्क। पहले वो हाफ होमवर्क करता है वन मंडे, फिर क्वार्टर होमवर्क करता है ट्यूसडे। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द टोटल होमवर्क डिड ही डू इन द 2 डेज? तो 2 डेज में वो कितना होमवर्क करता है? तो हाफ और क्वार्टर यानी कि 3 क्वार्टर यूज कर होमवर्क करता है। इट्स 1 हाफ एंड 1/4 मल्टीप्लाई 2, 1 एंड 4, तो 2 + 1 = 3 half 4, 3 quarter इन 2 days टू होमवर्क। फिर 10 में इन अ फैमिली 3/4 पार्ट ऑफ द राइस वाज यूज्ड अप आउट ऑफ 24 केजी राइस इन 1 वीक। अभी 1 वीक में 24 केजी राइस है, उसमें से 3/5 यूज हुआ है। अभी कितना केजी राइस लेफ्ट ओवर हुआ? तो 3/4 का होता है 24 × 3/4 = 72/4, तो 18 इज यूज राइस। ओके, तो अभी 18 को कैसे करना है? 24 राइस है उसमें से 18 माइनस करना है, तो 06 केजी इज राइस इज लेफ्ट ओवर। तो इतना भी राइस बच चुका है। उसके बाद है हाउ मेनी रुपीज डज 1/4 पार्ट ऑफ 440 मिनट? 440 मिनट क्या होता है? तो ये 11 का सम से 1/4 440 रुपीज। तो 440 मल्टीप्लाई 1/4, तो 4 × 1 = 4 एंड 4 × 10 = 40 इज 110 रुपीज। तो 1/4 पार्ट ऑफ रुपीज इज 440 मीन्स 110। चलो अभी इतना लिख दो। ओके,
चलो अब ये आगे क्वेश्चन 16 टोमेटो 8 kg पोटेटो 12 ऑनियन 10 कैरेट 16 और पंकी 4 ओके तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ हाफ केजी टोमेटो तो फर्स्ट हाफ केजी टोमेटो की हमें प्राइस ढूंढनी है तो 8 × 1 = 2 2 × 4 = 8 then 4 rupees half kg tomatoes price कैरेट का 1 kg का 16 है तो 3 × 4 × 16 16 × 3 = 48 × 4 4 × 1 = 4 and 4 × 2 = 8 and 12 तो 3 × 4 kg carrots price 12 rupees understand the way for what was more half kg onion and half kg carrot half kg onion and half kg carrots किसकी प्राइस ज्यादा है तो पहले हम ऑनियन की ढूंढेंगे ऑनियन का कितना है 10 और कैरेट का 16 ऑनियन की हाफ के जी होगी 2 × 5 = 10 और कैरेट की होगी 2 × 16
So, half kg onion, cost is more than 3x4 का काउंटिंग का ढूंढना है। अभी पंपकिन की कितनी थी? 4 रुपए किलो, तो 4×3 = 4। Three by 4 kg pumpkin. Price is ₹3. Okay. Our last half. What costs less? 3-4 kg tomatoes and 1 kg pumpkin. 3-4 kg tomatoes. And 1 kg pumpkin. Tomatoes की cost है 1 kg की 8 rupees, तो 3, 4, 8, 4, 5, 6. And pumpkin का 1 kg का 4. So, pumpkin less than tomatoes. Okay? चलो 132 पेज से हम कल करेंगे यहाँ।